हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्टेज। तो आज की वीडियो में हम लोग OMR सीट भरना सीखेंगे। जब आप क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पे आपको बिल्कुल इसी प्रकार का OMR सीट दिया जाएगा। इस OMR सीट को कैसे भरना है, मतलब बिल्कुल बारीकी से और अच्छे तरीके से यहां पे हम लोग सीखेंगे, जिससे कि वहां पे बोर्ड एग्जाम में आपसे कोई गलती ना हो पाए। तो इस प्रकार जो है आपको OMR सीट वहां पे दिया जाएगा और यहां पे कुछ इंस्ट्रक्शन भी आपको दिया हुआ रहेगा। ठीक, सबसे पहले समझेंगे कि कौन कौन से पेन से हम इसे भर सकते हैं। तो यहां पे बजाबते से लिखा गया है नीले और काले पेन से। आप जो है इसको भरने के लिए, फिल करने के लिए नीला पेन या फिर काला पेन, यानी बॉल पेन आपको ही चलेगा, जेल पेन का यूज इसमें नहीं करना है। तो बॉल पेन नीले या काले पेन से आप इसमें भर सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। ठीक, ये आपको फर्स्ट स्टेप में बात याद रखना है। यहाँ पे आगे देखिए, पहला यहाँ पे जो दिया, फर्स्ट नंबर दिया गया, इसमें परीक्षार्थी का नाम दिया गया है, तो यहाँ पे वो अपना नाम लिखेंगे, परीक्षार्थी का नाम। ये आपको ध्यान रखना है, बारीकी से समझते चलिए कि कैसे कैसे OMR सीट में हमें क्या काम करना है। ठीक, अगला हमारा दूसरे नंबर में रोल कोड। जो आपका रोल कोड होगा स्कूल का, जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, आपका जब एडमिट कार्ड मिलेगा तो वहां पे आपका स्कूल का रोल कोड भी दिया रहेगा। तो आप अपने एडमिट कार्ड के अनुसार ही यहाँ पे भरेंगे रोल कोड। उसके बाद आपका रोल नंबर एडमिट कार्ड पे ही आपको जब एडमिट कार्ड मिलेगा तो उस पर आपका रोल नंबर दिया रहेगा, तो यहाँ पे आपको रोल नंबर लिखना है। नेक्स्ट है हमारा चौथे नंबर में, फोर्थ नंबर में विषय कोड। विषय कोड जो है आपका दिया हुआ रहेगा वहां पे, जैसे कि एडमिट कार्ड मिलेगा तो जो विषय आपका एग्जाम रहेगा तो उसके आगे जो है वहां पे कोड दिया रहेगा, तो वो कोड यहाँ पे डालना है सब्जेक्ट कोड में। सब यहाँ पे जो है एडमिट कार्ड पे ही आपको देखने को मिल जाएगा। एडमिट कार्ड के अनुसार ही आप जो है OMR सीट को भरेंगे। नेक्स्ट हमारा है पाली, यानी सीटिंग, यानी कौन से सीटिंग में आपका एग्जाम है, ये भी आपको जो है एडमिट कार्ड पे ही देखने को मिलेगा। तो सब एडमिट कार्ड के सहारे आप इसको भरते चले जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है पंजीयन संख्या, रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको जो है एडमिट कार्ड पे देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पे हम पंजीयन नंबर भी यहाँ पे डाल देंगे। आपको जो है एक भी स्टेप जो है मिस नहीं करना है, सारे स्टेप को भरना है। ठीक, और नेक्स्ट हमारा विषय का पूरा नाम, यानी कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम हो रहा है आपका, मैथ है, इंग्लिश है, साइंस है, जो भी सब्जेक्ट का एग्जाम होगा जिस दिन भी, तो वहां पे आपको वो सब्जेक्ट नेम लिखना है। ठीक, नेक्स्ट हमारा आठवें नंबर में क्या आता है, परीक्षा की तिथि, यानी किस तारीख को आपका एग्जाम है, तो वो भी आपको जो है, जैसे कि साइंस का है तो साइंस और वहां पे डेट भी आपको दिया हुआ रहेगा किस डेट को है, वो आपको याद ही होगा, तो आराम से यहाँ पे डेट भी हमें लिख देना है। यानी ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप हमें करते चलना है, एक भी मिस्टेक, एक भी गलती कहीं पे नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे हम देखते हैं कि आगे और क्या कह रहा है OMR सीट में। और देखिए नौवें नंबर में अगले स्टेप में हमें क्या बोला जा रहा है, यानी जो आपको दिया हुआ रहेगा उसको आपको अच्छी तरीके से बारीकी से पढ़ना है, तभी जाकर के आगे फिर आप काम करना है। ठीक, यहाँ पे जिस सेट कोड का प्रश्न पत्र आपको मिला है उस सेट कोड के गोलक को नीले या काले पेन से भरना है, यानी आपको अपना क्वेश्चन देखना है। ठीक, क्वेश्चन पेपर जो आपको मिला है वो देखना है और बोला जा रहा है कौन सा सेट कोड है, तो सेट कोड जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये हमारा जो है क्वेश्चन बुकलेट सेट कोड है। ठीक, हमारा सेट कोड क्या है, H है, तो यहाँ पे जो है हम बजाबते से इसमें H लिखेंगे। यहाँ पे सही सेट कोड को नीचे बॉक्स में लिखने, जो भी आपका सेट कोड होगा यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक, A होगा तो A लिखना है, B होगा तो B लिखना है, तो यहाँ आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं H है हमारा, तो H लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए नीचे 10 सेट में से अपने प्रश्न पत्र के सही सेट को कोड के गोलों को नीले या काले पेन से भरना है, तो H है, तो यहाँ पे देखना है कौन सा सेट यहाँ पे H है यहाँ पे, तो इसको हमें फिल कर देना है। H है तो देखिए अच्छे तरीके से फिल करना है। ठीक, इसमें पूरा गाढ़ा होना चाहिए और बाहर नहीं निकला हुआ होना चाहिए। आप क्या कीजिएगा, जब भी आप गोले को भर रहे हैं तो पहले किनारे किनारे भर लीजिएगा अच्छे तरीके से, जिससे कि वो बाहर नहीं निकल पाए। तो किनारे किनारे यहाँ पे हम भर लेंगे और बीच में फिर अच्छे तरीके से यहाँ पे हम पेन से गाढ़ा कर देंगे। यहाँ पे देखिए हमारा अच्छे तरीके से ये फिल हो चुका है। इसी प्रकार जो है आपको वहाँ भी करना है, जिससे कि बाहर नहीं निकल पाए और गाढ़ा भी हो जाए। देखिए कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे गोला ये भर चुका है, तो ये करना है आपको वहाँ भी। चलिए आगे हमारा देखिए, यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है प्रश्न पत्र क्रमांक लिखे, क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर लिखना है। यहाँ पे देखिए प्रश्न पत्र, यहाँ पे देखना है कि बुकलेट सीरियल नंबर कहाँ पे, तो आपको अपना क्वेश्चन देखना है। देखिए क्वेश्चन देखेंगे तो ऊपर ही आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर। तो आप क्वेश्चन पेपर उठाएंगे और कोना पे आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर। तो ये पूरा जो है आपका क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर यहाँ से यहाँ तक है, तो आपको जो है यही नंबर यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे हम गलती से कोई मिस्टेक से कोई अलग नंबर लिखाया गया था, जिसे यहाँ पे हम कट कर दिए हैं इसको। वहां पे आपको ध्यान रखना है कि वहां पे आपको कटिंग वगैरह कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे मतलब बिल्कुल जो है न के बराबर वहां पे गलती आपको करना है। कट ऐसा मतलब कट के बराबर चिन्ह वहां पे नहीं देना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 212 है, जो बॉक्स आपको मिलेगा उसमें लिखना है
एक दो, 212 हो गया। आपको एग्जांपल के तौर पे हम बताते चल रहे हैं, नेक्स्ट हमारा 080, तो आप लिखेंगे 0803, फिर उसके बाद क्या है 928, तो इसमें लिखेंगे 928। तो इसी प्रकार जो है आपको ये क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर भी लिखना है, ठीक। आपको जो है काट पीट कहीं भी या फिर क्रॉस का साइन यहाँ पे कहीं भी नहीं देना है, आपको अच्छे तरीके से जो है ये कोई ओएमआर शीट को भरना है। अगला हमारा आता है यहाँ पे परीक्षा केंद्र का नाम, यानी जहाँ पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर है आपको आपके एडमिट कार्ड पे देखने को मिल जाएगा कि कहाँ पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर है, तो एडमिट कार्ड में से आप देख के यहाँ पे भर देंगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा यहाँ पे बोला जा रहा है परीक्षार्थी का पूर्ण हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर यहाँ पे करना है, कैंडिडेट का फुल सिग्नेचर करना है, ये आपको इसमें अपना साइन कर देना है। उसके बाद इन दोनों बॉक्स को आपस में छोड़ देना है, क्योंकि ये जो करेंगे आपके टीचर करेंगे, जो इन्विगेटर है वहाँ पे वो करेंगे, और यहाँ भी आपको केंद्र अधीक्षक का मुहर करना है, तो आपको ये दोनों छोड़ देना है, यहाँ पे आपका अपना साइन चाहिए। और फाइनली इतना करने के बाद आपको जो है अब आ जाता है वहाँ पे नीचे ओ एम आर गोला वाला भरने के लिए, जहां पे आप अपना आंसर करेंगे और जो आंसर होगा ए बी सी उनमें से आप सब में से गोला लगाएंगे किसी एक पे। तो आपको जो है क्वेश्चन आपका निकाल लेना है और फर्स्ट क्वेश्चन देखना है, जो उसमें सही होगा आंसर वहां पे आपको गोला करना है, उस गोले को भरना है। ऐसे कि मान लेते हैं कि आपने पहला क्वेश्चन उसमें देखा कि पहले क्वेश्चन का आंसर जो है सी है, तो सी में हमें गोला लगाना है। तो आपको देखिए किस प्रकार करना है, बहुत बारीकी से यहाँ पे समझिए। पहले क्या करेंगे आप, चारों तरफ जो वहाँ पे है उसमें चारों तरफ गोल से कर देना है इस प्रकार, पहले चारों तरफ कर लेंगे जिससे कि बाहर नहीं निकले, और अच्छे तरीके से फिर हमें गाढ़े तरीके से यहाँ पे गोला को भर देना है। इस प्रकार हमें गोला करना है, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे तीन का ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है, तो डी को भरना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, चारों तरफ हम निशान कर लेंगे, चारों तरफ गोला बना लेंगे, और बीच में बराबर से इस प्रकार हमें पेन से जो ब्लू या फिर ब्लैक पेन से कर रहे हैं ऐसे कर देना है, जिससे कि आपका वो गाढ़ा हो जाए और बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना है, ये आपको ध्यान रखना है। आपको जो जैसे कि मैथ का आपको क्वेश्चन मिला है, तो मैथ में आपको 100 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, 100 ऑब्जेक्टिव में आपको 50 ही बनाना है, तो आप जो है कम से कम कहीं से भी बना सकते हैं, 50 आपको कम से कम क्वेश्चन को बनाना ही है, उससे ज़्यादा बनाएंगे तभी भी आपको 85 क्वेश्चन का आपको वहाँ पे आंसर ही दिया जाएगा, नंबर दिया जाएगा 85 क्वेश्चन का। तो आपको 100 में से कहीं से भी, जैसे कि अगर आपको 25 नंबर का क्वेश्चन आपको आ रहा है तो 25 नंबर बना दीजिए, जैसे 25 नंबर का हो गया ऑप्शन बी सही है तो आपको बी को इस प्रकार भर लेना है। पहले चारों तरफ से किनारे किनारे हमें गोला कर लेना है जिससे बाहर नहीं निकले, और फिर बराबर से बीच में ऐसे ऐसे कर देना है, ठीक, ये आपका गाढ़ा हो गया। तो इस तरीके से जो है हमें ओ एम आर शीट को भरना है, गोले को भरना है। आई होप ये ओ एम आर शीट भरना आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, या फिर कोई डाउट आपको बच गया तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।